हेलो एवरीवन, एक बहुत ही बंपर वैकेंसी निकल कर आई है टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी में। जो भी बच्चे अपना डीएलएड बीएड किए हुए हैं उनके लिए ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। सैलरी की बात करें तो 60,000 प्लस सैलरी जो है यहाँ पे रहता है, जैसे आपके पोस्ट है वैसे सैलरी मिलती है। साथ ही साथ में फैसिलिटीज और वर्क एक्सपीरियंस, मतलब काम करने का तरीका, इन सभी चीजों में आपको एनहेंसमेंट होता है। तो ये वैकेंसी आप लोग अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भर सकते हैं। इससे आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और इसमें जो है आप लोग को सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। दूसरी चीज बात बोलूं तो इसमें फ्रेशर जो है, जिन्होंने अभी तक कहीं नहीं पढ़ाया है, एक्सपीरियंस नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन सी वैकेंसी है, कब तक अप्लाई करना है, आप लोग का एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट आप लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है, इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहां पर आप लोगों को वैकेंसी से रिलेटेड, टीचिंग वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है, जिसको आप लोगों के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। अगर जो फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल भर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैं बता दूं, ये जो है सरला बिरला पब्लिक स्कूल है, बिरला पब्लिक स्कूल के बारे में आप लोग सब जानते हो, वहां से ये वैकेंसी आई हुई है। और ये वैकेंसी बहुत सारे पोस्ट पर है, बहुत सारे पोस्ट पर। मेरे कहने का मतलब है कि आप लोगों को टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, काउंसलर, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, हर एक पोस्ट पर जो है वैकेंसी है। इसका आप लोगों को क्या क्या करना है, किस तरह से फॉर्म भरना है, डिटेल से मैं आपको बताती हूँ। सभी चीजों को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो आप यहां पर देख रहे हो करना क्या होगा, 15/10/2024 यानी कि 15 अक्टूबर तक आप लोग ये फॉर्म को भर सकते हो। 15 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म को भरने का, ठीक है। एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन फिल एंड सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रीसेंट स्कैन फोटोग्राफ एंड ब्रीफ नैरेटिव। आप लोगों को अपना फोटोग्राफ देना है और आपको अपने टीचिंग के बारे में, अपने प्रोफेशनल आइडियोलॉजी के बारे में, मतलब कि आपके लिए ये टीचिंग जॉब कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से आप अपने इस प्रोफेशन को देखते हो, उसके बारे में जो है आप लोगों को लिखना होगा। ये तो आप लोग का स्टार्टिंग का हो गया। अब इसमें और क्या चीजें चाहिए हैं तो वो पहले देख लो। कैंडिडेट शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। इंग्लिश आप लोग को आना चाहिए थोड़ा बहुत, जितना भी आप बोल सकते हो आप बिल्कुल यूज कर सकते हो। कैंडिडेट शुड बी कंप्यूटर सेवी एंड हैव नॉलेज ऑफ द लेटेस्ट एजुकेशनल पेडागोजीज। जो भी पेडागोजीज हैं, जैसे कि टीचिंग मेथड है आपका, टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो यूज करते हैं, ये सभी आना चाहिए। आजकल तो हर एक स्कूल में यूज हो ही रहा है, नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब पे जाकर के देख सकते हो कि कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए हमें कौन कौन सा टीएलएम यूज करने होंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल फॉर इंटरव्यू। तो आप लोगों को पहले तो आप लोगों का पूरा फॉर्म देखा जाएगा, उसमें से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का जो है फॉर्म सिलेक्ट होगा उन्हीं को कॉल जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे बस इंटरव्यू होना है। सैलरी विल बी कमेंसुरेट विद एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। देखो सैलरी यहाँ पे अच्छी खासी होती है और आपके एक्सपीरियंस और आपके क्वालिफिकेशन के ऊपर सैलरी बढ़ भी सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। द सिलेक्शन अपॉइंटमेंट इज सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आप लोग का वेरीफाई होगा। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि भाई कौन कौन से पोस्ट पर आप लोगों का ये निकला है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देख लो यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल, हेड मिस्ट्रेस और पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, ट्रेनी टीचर, फॉरेन लैंग्वेज टीचर, स्पोर्ट्स कोच, काउंसलर, वेलनेस टीचर, स्पेशल एजुकेटर, एआई रोबोटिक इंस्ट्रक्टर, पब्लिकेशन एग्जीक्यूटिव। इतने सारे पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। बिरला पब्लिक स्कूल आप लोग जानते हो कितना पुराना ये स्कूल है और इसमें सैलरी बहुत हैंडसम सैलरी दी जाती है। मतलब एक बेसिक पे जो 6 पे 7 पे के अकॉर्डिंग है वो उस तरह से आप लोग का दिया जाएगा और साथ में फैसिलिटीज बहुत दी जाती है। तो ये एक अच्छा, अगर किसी ने अभी तक काम कहीं नहीं किया है तो उन लोग के लिए काम स्टार्ट करने का बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने काम किया है तो आपको अपने करियर में एक एक्सपीरियंस जो बोलते हैं ना लगाने का, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर अगर मान लेते हैं हम लोग पहले तो पीआरटी ले लेते हैं, ठीक है। पीआरटी में जैसे कि पीआरटी का अगर आप लोगों को फॉर्म भरना है तो यहाँ पे आप लोग को जिसका भी इसमें बीएड वाले पीआरटी में फॉर्म डाल सकते हैं, ये भी याद रखना। पोस्ट अप्लाइड फॉर पीआरटी सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट, मान लो कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए पीआरटी में जा रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, तो आपने जो है यहाँ पे भाई इंग्लिश ले लिया है। जनरल इंफॉर्मेशन में आपको अपना नाम डालना है,
फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे कॉन्टेक्ट नंबर आप लोग को ये सभी चीजें जो है डालनी है, नोटिस पीरियड, मैरिटल स्टेटस, फिर उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन का आ जाएगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड है, पीजी है, जो है आपको वो डालोगे। फिर यहां पर आ जाएगा प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन में कि आप लोगों का जो है एक्सपीरियंस कितना है, देख लो प्रोफेशनल में आ जाएगा जेटेड क्लियर किया है, सीटेड क्लियर किया है, या कोई और स्टेट का जो है टेट क्लियर किया है, जैसे किसी ने यूपी टेट क्लियर किया हो, बी टेट क्लियर किया हो, तो वो यहाँ पे डाल सकते हो। यूनिवर्सिटी पासिंग ईयर मार्क्स ये आपको डालना है। डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपने अगर काम किया है तो कितने दिनों का है, कौन से स्कूल में, कौन से इंस्टीट्यूशन में काम किया है वो, अगर नहीं किया है तो कोई इश्यू नहीं है, इसको आप लोग छोड़ सकते हो। फिर टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहां लिख सकते हो। यहां पे आपको लिखना है कि आपके लिए आपका ये प्रोफेशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या आइडियोलॉजी है, मतलब आपके प्रिंसिपल्स क्या है अपने लाइफ को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, ये आपको 500 to 1000 वर्ड्स में लिखना है। कुछ नहीं है, गूगल पे जाके सर्च कर लोगे, वहां से आप निकाल के ला सकते हो, इंग्लिश में ही लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर यहां पर आप लोगों को जो है अपने फोटोज और सिग्नेचर जो है अपलोड कर देने हैं, ठीक, और फिर यहाँ डिक्लेरेशन में यहाँ पर टिक करना है और यहां से सबमिट कर देना है। सबमिट हो गया, आपका काम खत्म, अब काम वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। आपके फॉर्म को पूरी तरीके से वेरीफाई किया जाएगा, अगर उसमें उनको सही लगा तो फिर आपको बुलाएंगे कॉल के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। जब इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपके साथ दो तरह के इंटरव्यू होंगे, एक तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ज्यादातर आपके सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं होता है, आपके कॉन्फिडेंस को चेक किया जाता है कि आप किस तरह से जो है क्लास को मैनेज कर सकते हो। हाँ, डेमो क्लास आप लोगों का को दिया जा सकता है। डेमो क्लास दो है, जो है 2 मिनट से लेकर के 20 मिनट्स तक का हो सकता है। तो जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे मानो कि आप एसएसटी के लिए कर रहे हो तो ग्लोब पढ़ाने वाले हो, तो भाई ग्लोब आप लोग जो है उसको या तो बना कर ले जाओ या चार्ट में बना कर ले जाओ, कुछ भी इस तरह का जो है टीएलएम जरूर ले जाओ, उसको अपने टीचिंग में यूज करो, वहां पर आप दिखाओ बच्चों को, उस तरह से समझाओ, ये ज्यादा जरूरी है। तो एक डेमो होगा, एक आप लोग से फेस टू फेस इंटरव्यू और ये डेमो, एंड देन अगर आप लोग का सब कुछ अच्छा रहा तो सिलेक्शन, और जो सिलेक्शन होगा आपके डेमो के बेसिस पे होगा, सैलरी उसी पे होगा। मिनिमम सैलरी अगर 60,000 यहाँ पे रहता है आप लोगों का। अब इसके अलावा जो है कुछ ऐड फैसिलिटीज हैं, वो सारी चीजें आपको लोगों को मिल जाती है, जैसे रूम मिल जाए, रहने के लिए मिल जाए, जैसे भी, वो आप लोग के इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा कि इंटरव्यू कितना अच्छा जाता है, स्कूल आपको कितना ज्यादा जो है बोलते हैं ना कि बैडली आपको रखना चाहता है, तो आप जो डिमांड करोगे आपको मिलेगा। तो ये आप लोगों के लिए जो है वैकेंसी आई हुई है, मैंने आपको पीआरटी के एग्जांपल पे बताया है, ऐसे आप लोग टीजीटी का भी देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे टीजीटी निकाल देती हूँ, तो टीजीटी में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से आप लोग कोई भी सब्जेक्ट चूज करो, मान लेते हैं मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स का टीचर हमें बनना है मैथ्स में, फिर अपना डिटेल डालेंगे यहाँ पे, पोस्ट अप्लाइड फॉर कौन सा, टीजीटी, पीआरटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो, सिलेक्शन वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, सब्जेक्ट क्या है वो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, ठीक है, एंड देन आपको अपना डिटेल डालना है, सेम प्रोसेस रहेगा, एंड देन सबमिट करना है, ठीक है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम थोड़ा सा इसका एड्रेस देख लेते हैं। देखो यहाँ पर ये एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है, सरला बिरला पब्लिक स्कूल, बिरला नॉलेज सिटी, रांची, पुरुलिया हाईवे, विलेज आरा आरा या पीओ माहिलोंग और रांची झारखंड, फोन नंबर आपको दिया गया है, और ज्यादा डिटेल में ये इसके साइट पर है, वेबसाइट पर दिया गया है, तो आपको बस वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पे लिखना है। यार नहीं ज्यादा आपको वेबसाइट का समझ में आ रहा है तो आप लिखो बिरला पब्लिक स्कूल झारखंड पुरलिया, आपको आ जाएगा, इसका नाम सरला बिरला पब्लिक स्कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है आप लोगों का है sbpsranchi.in/career, इस तरह से आप लोग का रहेगा, और यहाँ पे जॉब अगर करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की वैकेंसीज हम आपको ला करके देते रहेंगे, जिससे कि जो लोग भी इस तरह अप्लाई करना चाहते हैं, देखो घर बैठने से अच्छा है कि भाई अपने आप बीएड करके डीएलएड करके अगर घर में बैठ जाते हो तो दैट मीन्स कि आप अपने एजुकेशन पर जो आपने पढ़ा है उस पर जंग लगा रहे हो,
वो जैसे जैसे आप बैठोगे वैसे वैसे वो जंग लगेगा उसपे। तो अच्छा है कि उसपे काम करते रहें और उसको और ज्यादा एनहेंस करें और ज्यादा उसको पॉलिश करें। तो इसके लिए ऐसा नहीं कि प्राइवेट में, ठीक है गवर्नमेंट की तैयारी करते रहो, प्राइवेट में भी काम करते रहो ताकि आप लोग का स्किल डेवलप होता रहे, राइट। तो इस तरह की वैकेंसीज अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट में बताना, और भी वैकेंसीज बहुत सारी है जो आप लोगों को ला करके दी जा सकती है, बस आप लोगों को इंटरेस्ट दिखाना है कि हाँ हमें ये अच्छा लग रहा है सेक्शन, तो हम लोग इसको जो है बिल्कुल इंक्लूड करेंगे अपने चैनल पर। इससे रिलेटेड और कोई आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आप लोगों को क्वेरी रहता है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं या इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।